हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आज मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे सवालों को लेकर के आया हूँ जिसको देख करके आप लोग ये कहते हैं कि ये सवाल तो काफी कठिन है, इसको हम कैसे लगाएंगे। ठीक है, आज मैं इसकी एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसको देख करके आप तुरंत कह देंगे यही इसका उत्तर होगा। ठीक है, अगर इस तरीके के सवाल आपको मिलते हैं तो आप तुरंत उसका उत्तर लगा देंगे। ज्यादा देर ना करते हुए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखिएगा, हमारा पहला सवाल है यदि x घात 179 प्लस x घात 179 एक बटा एक्स घात 179 बराबर 6, तो एक्स घात 179 माइनस एक बटा एक्स घात 179 बराबर क्वेश्चन मार्क। देखिएगा, पहले हम लोग इसका बेसिक देखते हैं। तो बेसिक जब हम देखते हैं तो यहाँ पे एक्स घात 179 जो है इसके बराबर हम लोग क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे। ठीक है, इसके बराबर हम लोग ए मान लेंगे। तो देखो यहाँ पर जब इसको ए मानेंगे तो ए प्लस एक बटा ए इस तरीके बन जाएगा, ये बराबर 6। ठीक है, हम दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। ठीक है, ये हमारा बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक बटा ए स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2ab ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर 2ab होगा तो a गुणे एक बटा a होगा और यहाँ से a कट जाएगा, इसलिए हमारा बच कितना जाएगा। ठीक है, ये दोनों जब कट जाएंगे तो हमारा बचेगा केवल क्या, दो, इसलिए मैं यहाँ पे दो लिख रहा हूँ। बराबर कितना हो जाएगा इसका, वर्ग किए हैं ना हम लोगों ने, तो इसका हो जाएगा 36। ठीक है, यहाँ पर वर्ग किया गया है दोनों पक्षों का, 36 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, ये प्लस इधर है अगर दो है, अगर उस तरफ जाएगा तो ये बच जाएगा आपका कितना हो जाएगा 34। तो मैं सीधा लिख रहा हूँ ए स्क्वायर प्लस एक बटा ए स्क्वायर बराबर आपका वो कितना जाएगा 34। ठीक है, इसी 34 को ध्यान दीजिएगा, इसी 34 को हम लोग 32 धन 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ए स्क्वायर प्लस एक बटा ए स्क्वायर, इसको हम लोग अगर 32 धन 2 लिख देते हैं तो 2 इधर प्लस है, इस तरफ लेकर के आएंगे क्या हो जाएगा हमारा, माइनस हो जाएगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा -2, ये बराबर हो जाएगा आपका 32। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये ए स्क्वायर प्लस एक बटा ए स्क्वायर माइनस दो, ये हमारा बन जाएगा ए माइनस एक बटा ए पूरे का होल स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा आपका 32। ठीक है, इस तरीके से बन गया हमारा। यहाँ पे देखो हमको ए सी का मान, देखो ये अंडर रूट इधर लगा है, मतलब स्क्वायर लगा है, ये इस तरफ जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, तो हमारा वो कितना जाएगा ए माइनस एक बटा ए बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट 32। ठीक है, तो ये हमारा था बेसिक। देखो ए बराबर हमने माना क्या था, एक्स के साथ 1/89, 189 है माइनस 1/(x^(189), तो यहाँ पे ए माइनस 1/(a) का मान कितना आ जाएगा आपका अंडर रूट 32, यही आपका उत्तर होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये तो आप लोगों के लिए बेसिक था, आप इसको ट्रिक से कैसे लगाएंगे इसके लिए एक फार्मूला है मैं बता रहा हूं। देखिएगा, इसके लिए फार्मूला है कि जो भी वैल्यू दी रहेगी ये इसको हम लोग भी मान लेते हैं, वैल्यू है आपका। ठीक है, तो ये हो जाएगा जो भी मान आपको निकालना होगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर में वैल्यू स्क्वायर माइनस आपका हो जाएगा 4। ये आपके लिए ट्रिक है, इसको आप रख लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से अगर आपको सवाल मिल रहा है, अभी आपको मैं माइनस वाला भी बताऊंगा। देखो मैंने अगला सवाल लिखा है आपके लिए, आप इसको समझ जाइएगा कि ये आपका जो वैल्यू मतलब जो भी यहाँ पे दिया रहेगा उसका स्क्वायर माइनस 4, जैसे इस सवाल में आपको लगाना होगा तो अंडर रूट के अंदर में 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, वैल्यू मतलब क्या, वी का मतलब क्या, वैल्यू का मान 6 है, 6 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 4, तो हो जाएगा कितना 36 माइनस 4 बचेगा कितना अंडर रूट के अंदर में 32। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से मैं इसमें बेस नहीं बताऊंगा, इसी को ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे माइनस, यहाँ पे अगर माइनस है और यहाँ पर आपको प्लस लग रहा है, ठीक है, अगर प्लस दिया है उसने, ठीक है, तो इस सवाल के लिए आपकी जो ट्रिक बनेगी अंडर रूट के अंदर में, अंडर रूट के अंदर में ये प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस 4 हो, यही इसकी ट्रिक है। आप इसको अगर बेसिक तरीके से लगाएंगे तो जैसे मैंने पहला सवाल लगाया था अभी अभी, उसी तरीके से आप इसको लगा सकते हैं बेसिक तरीके से। ठीक है, इसके लिए भी ये ट्रिक है। ठीक है, ये तो आप अगर इसको लगाना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, भी का मान यहाँ पे कितना, भी का मतलब वैल्यू भैया, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आपका वैल्यू दिया रहेगा 7 है, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 49 में 4 जोड़े कितना हो जाएगा 53। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आप लोग लिखिए, एक ट्रिक थी। ठीक है, कहने का मतलब है अगर आप लोगों को दिया जाएगा, जैसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इस सवाल को मिटा रहा हूं मैं, जैसे आपको मान दिया जाएगा, जैसे कोई वैल्यू अगर आपको दी गई है, जैसे यक्स धन 1/x, ठीक है, तो इसके लिए आप अगर ये, ठीक है, इसके इक्वल अगर पूछ रहा है या इसके बराबर, देखो कोई मान अगर दिया जाए, मान लीजिए इसके बराबर इसने दे दिया है 6, ठीक है, इसके बराबर आप इसने दे दिया है 6 और पूछ रहा है यक्स माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी, तो इसके लिए फार्मूला क्या है, अभी अभी मैंने लिखा था, ये फार्मूला लिखा है कि अंडर रूट के अंदर में बी स्क्वायर माइनस 4।
अंडर रूट के अंदर में बी स्क्वायर माइनस फोर, ये आपके लिए ठीक है। अगर आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पे, मैं भी लिख देता हूँ क्योंकि वैल्यू दी जाएगी ना आपको, वैल्यू दी जाएगी आपसे जो भी सवाल पूछा जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे आप अगर इस तरीके से इसी का उल्टा मतलब इसका भाई अगर मान लीजिएगा इसका भाई ही है तो यहाँ पे एक्स माइनस एक बटा एक्स बराबर भी, और यहाँ पे पूछ रहा है एक्स प्लस एक बटा एक्स, तो आपके लिए जो भी पूछ रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर में भी स्क्वायर प्लस चार, ठीक है उसको। तो आप लोग को मैं आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो काफी पसंद आई होगी, ऐसे कुछ सवालों को लेकर के मैं अपनी अगली वीडियो में लाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।